नहीं बर्फ़ से भी ज़्यादा पतला है लेकिन पतला सॉरी कह रही हूँ ठंडा है तक तो वो बस हमने गाड़ी में विज़िट किया है तो उधर जो थी वो कोई इस तरह स्पॉट नहीं बना बिसमिल्लर अल्लाम हलोम सली मुहम्मद व अल आल मोहम्मद व बारक़ अल्लाह पाक से दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हों सेहत और ईमान की अच्छी हालत में हूँ लम्सम व्लाग में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ माई यूट्यूब फ़ैमिली आज की वीडियोज़ की हाई आप लोगों ने देखी हैं आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो आज किसके बारे में है इसलिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है बहुत शॉर्ट सी वीडियो है तकरीबा साढ़े छः मिनट की वीडियो है तो आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान की खूबसूरती अल्लाह ताला की कुदरत अल्लाह ताला ने बेबहहा जो हमें खजाने अता किए हैं उसके बारे में बताऊंगी हम लोग सवाल किए थे एक वीडियो पहले ट्राउट फिश के बारे में आप लोग हमारी देख चुके हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी मेरे चैनल पर आने वाले नाजरीन ने तो वो वीडियो का लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप लोगों ने वो वीडियो उधर जा कर देख लेनी है बहुत ज़्यादा मालूम और बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो है अच्छा जी इस वीडियो में हम लोग मैं मोहम्मद और उसके बाबा जो है हम लोग स्वाद किए थे गए तो हम लोग बिजनेस टूर पे थे तो लेकिन फिर हमने उधर रास पैन की और उधर से काफी ज्यादा हमने शॉल्स की शॉपिंग की जापानी फल हम तकरीबन पांच पेटियां लेके आए थे लेकिन वो हमसे सही तरह पके नहीं उसकी भी स्टोरी मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ लेकिन इधर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो रोड है पूरा स्वाद मोटरवे भी और आगे स्वाद सिटी कानजू जितनी भी सिटीज़ है ना उधर इतनी सिटीज़ हैं कलाम बहरीन और मालम जबा हम लोग को ये अभी मालम जबा के रास्ते में है क्योंकि हमने रात जो स्टे किया था वो मालम जबा है ये बीच में आपको बंद गोभी के खेत नज़र आ रहे हैं आगे फिर आपको टमाटर के खेत टमाटर बंद गोभी इतनी प्यारी प्यारी सब्जियाँ फ़्रेश सब्जियाँ अगर आप लोग उधर से ख़रीदेंगे तो जारी बात है वो गाड़ियों को देख के तो वो वही के रेट लगाते हैं जो हमारा इधर का रेट है लेकिन हम लोग ले कर ज़रूर आते हैं क्योंकि उन लोगों की भी ये रोज़ी रोटी होती है मंडी में उनको वो रेट नहीं मिलता जो रेगुलर जाने वाले जो टूरिस्ट हैं वो उनको देते हैं इसी तरह इसके शॉल की मार्केट्स में भी चले जाएं तो आप लोगों को वो टूरिस्ट को देख के रेट अच्छे खासे लगाते हैं लेकिन आप बारगेनिंग करें तो वो जरूर आपको थोड़ा बहुत बारगेन कर देते हैं और मेहमान नवाजी वो बहुत ज़्यादा करते हैं जापानी फलों के बागात की मैं आपको क्या बात बताऊं जिस तरह अभी ये देखें ये फल भी है और साथ उसके पत्ते डार्क पिंक कलर के और डार्क ऑरेंज कलर के पत्ते हो गए और डार्क ऑरेंज कलर का जापानी फल है हम लोग इसको पारसीमान जापानी फल कहते हैं वैसे इसको इंग्लिश में परसीमन और लोग इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंट लैंग्वेज़ में आपको मैंने बता दिया अच्छा ये बड़ा मज़े का सीन था हम लोगों ने परचेज़ तो करने थे जापानी फल लेने के लिए लेकिन हमें ये जो पॉइंट मिला ये दरियाए सवात आपको जा नज़र आ रहा है दरए सवात का जो पानी है वो इतना ख़ूबसूरत इतना ठंडा इतना मज़े का पानी है तो अल्लाह ताला की कुदरत देखने के लिए हमने इधर काफ़ी देर स्टे भी किया फिर इसके साथ ही रोड के साथ साथ एक बड़ा सा बाग नहीं होते रोड के साथ ये कुदरती तौर पर उगे हुए दरख्त हैं लेकिन फिर ये जिनकी की मलकियत होती है ये रोड के साथ ज़मीन तो वो फिर उसी मलकियत को जो है ना जाहिर करके वो क्या करते हैं वो ठेके पर इन सारी चीज़ों को देते हैं तो जिनसे हमने ये जापानी फल परचेज़ किए थे वो भाई हमें बता रहे थे कि एक किलोमीटर तक की लाइन जो है इसके जितने जापानी फल इस साइड में ये देखें इसका इन्होंने दो लाख रुपए ठेका दिया है तो जारी बात है दो लाख ठेका देने के बाद फिर उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी देखना है वर्कर्स जो लगाए हैं उनकी दिहाड़ी भी निकालनी है फिर खुद भी जारी बात है जिस बंदे ने इतना इन्वेस्ट किया उसने कुछ ना कुछ कमाना है तो ये हमें पेटी मिली थी हाँ वैसे वो छः सौ पे की पेटी बता रहे थे और इसमें सात किलो कह रहे थे लेकिन सात किलो नहीं होते मेरे ख्याल में पाँच छः किलो होते हैं तो फिर इतनी अच्छी और इसमें भी वरायटी होती है हम लोग की एक बहुत अच्छी वरायटी है हम लोगों ने वही वाली परचेज़ की थी और उन्होंने हमें चुन चुन के वो निकाल के दी थी हमने पांच पेटियां खरीदी थी हुआ ये था कि हम पांच पेटियां तो उधर से ले आए थे फिर इन्होंने हमें पच्चीस सौ की पांच पेटियां पाँच सौ रुपये के हिसाब से हमें पेटियां दी थी ये हम ला के हमने इनसे तरीका भी पूछा कि कैसे इनको पकाना है ये कच्चे टूटते हैं ये दरख्त पे बहुत टाइम बाद पकते हैं तो इन्होंने कहा कि आप तोड़ के तो इनको लेके जा रहे हैं बस तीन दिन इनको अपने किचन में या कहीं भी रख दे तो ये पक जाएंगे बग़ैर कार्बोहाइड्रेट के लेकिन वो हमसे हमने पूरा पहले हफ़्ता स्टे किया इवन कि मैंने अपनी कुलीग्स को बोला हुआ था कि मैं आप लोगों को दूँगी पक जाए बस वो पकने के साथ साथ ये हुआ पके तो नहीं लेकिन उसी दौरान मेरे चाचा जी की डेथ होगी तो हमें गाँव जाना पड़ा वापस आए तो वो हमारे ख़राब हो गए थे कोई बात नहीं वो हमारे नसीब में नहीं थे लेकिन हम लोग लेके आए थे इसी तरह हमने टमाटरों की पेटियाँ भी उधर से लाए थे बंद गोभी और दूसरी चीज़ें मैंने सारी लेनी थी लेकिन हम लोग जब उधर से निकले हैं शॉल्स खरीदे खरीदते हुए और ड्राई फ्रूट ख़रीदते हुए हमें काफ़ी टाइम लग गया तो हम लोग जब उधर से वापस निकले हैं तो वो जो फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की जो आ, खेत थे वो बंद हो चुके थे लोग अपने घरों को जा जा चुके थे सिर्फ टमाटर वाले जो मंडी वाले लोग थे वो रोड पे खड़े थे फिर उनसे हमने टमाटर की पेटी जो थी वो परचेज़ कर ली फिर उसके बाद हमने पार्सिमल खरीदने के बाद गाड़ी में रखवाने के बाद फिर मैं मोहम्मद अली के बाबा और आ, मैं हम जो है ना इधर आके काफ़ी देर तक इधर बैठ के इस पानी को देख रहे हैं मोहम्मद अली ट्राउट को ढूंढता रहा मैंने कहा बेटा ये ट्राउट इधर नहीं है फिर हमें पता चला कि कलाम की साइड पर कुछ ऐसी जगह है जिदर आपको जिधर वो ट्राउट फिश पकड़ने वाले हैं वो भी एक जगह है जो किसी को नहीं बताते क्योंकि महंगी फिश है तो वो उनका कारोबार है तो देगा तो ये सी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से खूब इंजॉय किया होगा पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी चैनल पर आने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिवानी बाल के बारे में आपने मालूम ली आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शॉल्स वाली वीडियो में मुलाकात होगी अल्लाह हाफेज